सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत में धर्म के लिए तीन लोग मरे, मरे तो बहुत हैं, पर तीन का मरना बड़ा दुखद है। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे दानवीर कर्ण। इन तीन का मरना बड़ा दुखद हुआ है। भाई भले आदमी ना मरे, हम तो यही चाहते हैं, जितना जिंदा रहेंगे उतना अच्छा, इनसे धर्म फैलेगा। पर ये तीन मर गए, इनसे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बहुत रोए हैं। हम भी जब महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी? अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। दूसरी मृत्यु हुई गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र गलत है, फिर भी सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, है ना? अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए गए द्रोणाचार्य, तो इनके दोस्त ने कह दिया, अरे तुमसे हम दोस्ती करेंगे क्या? तुम्हारी औकात देखते हो, तुम्हारी औकात क्या है? गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद ने निकलवा दी अपनी सभा से और कह दिया, तुम हमारे योग्य थोड़ी हो गुरु मित्र बनाने के। अब वो लेकर के घुटन गुरु द्रोणाचार्य आए और वहां इन्हें पितामह भीष्म ने नियुक्त कर लिया शिक्षा देने के लिए। तो ये यहाँ के शिक्षा गुरु बन गए। इन्होंने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों से कहा, जाओ द्रुपद को पकड़ के लाओ। फिर द्रुपद को बंदी बना के लाए गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में। फिर गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य दिया गया था। कहा था, देख तूने मेरे को घर से निकाल दिया था अपमानित करके, देख आज मेरे शिष्यों ने मेरे कदमों में तुझे डाल दिया है, फिर जिंदा छोड़ दिया। महाभारत की चर्चाएं हैं। और वो गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। क्यों? वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, शकुनी गलत है, पर फिर भी नमक खाया था इनका, तो ये भले गलत हैं पर अब सपोर्ट, मर जाएंगे परंतु उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका नमक खाया है। ये नमक के लिए मर गए। पितामह तो प्रतिज्ञा के लिए मर गए और ये नमक के लिए मर गए। हमारे यहां नमक हराम नहीं होते थे ना। पितामह गुरु द्रोणाचार्य कह देते कि मैं जा रहा हूं पांडवों के पक्ष में, तो क्या होता? नमक हरामी हो जाती कि नहीं? भाई मैं आपका नमक खाऊं और जब आप पर कोई संकट आए तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊं, तो ये तो गलत है ना, मेरे धर्म के खिलाफ। आप देखो गलत हो कि सही, वो भाई दुर्योधन गलत था, इसका पाप दुर्योधन को लगेगा, पर गुरु द्रोणाचार्य ने चूंकि उस राज्य का नमक खाया है। भाई गुरु द्रोणाचार्य जी कहां रहते थे? उन्हीं के राज्य में रहते थे, धृतराष्ट्र के राज्य में, उन्हीं का खाते थे, उन्हीं के सेवाएं उन्हें मिलती थी। तो भाई अब लड़ो, लड़ना पड़ा और लड़े और मारे गए। जब मरे तो किसके लिए मरे? धर्म के लिए मर गए। दुर्योधन गलत था, पर चूंकि मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं आपके साथ हूं। आप सही हैं या गलत, हम बाद में विचार करेंगे।
पर आपका नमक खाया है सो आपके संग लड़ेंगे। ये धर्म था। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसा धर्म गलत के साथ? भाई गलत सही अपनी जगह था, हम बंधन में हो गए ना आपके, चूंकि आपका नमक खा लिया। बात समझ रहे हैं? ये देखिए ये मजबूरियां थी, इन मजबूरियों को समझिए आप। पितामह भीष्म की मजबूरी मैंने आपको कही, गुरु द्रोणाचार्य की मजबूरी कही, अब तीसरी मजबूरी थी किसकी? कर्ण की। कर्ण की क्या मजबूरी थी? कर्ण को पता था, आखिरी में पता चल गया था युद्ध होने के पहले कि ये पांडव मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने बता दिया था कि तुम राधे नहीं हो, कौंतेय हो, कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, पांडु कौंतेय हो, बड़ा सम्मान मिलेगा, चलो पांडवों के संग सम्मिल। ना, दुर्योधन कैसा भी है, कर्ण ने कहा लोग मुझे शूद्र शूद्र कह करके बुलाते थे, पर मुझे सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इस दुर्योधन ने दिलाई है। जानते थे कर्ण कि ये दुर्योधन गलत है। भगवान ने कहा चलो पांडवों की तरफ से आओ, कर्ण ने कहा ना अब देखो हमें मर जाने दो, अब हमें ना जीत की खुशी है ना तो हार का कोई गम है, बस मर जाने दो। अब इस मुंह से गलत शब्द निकल गया है द्रौपदी के लिए, तो जब जब मैं द्रौपदी को देखूंगा या वो मुझे देखेगी तो एक गांठ, मैं जीवन नहीं जीना, मर जाने दो मुझे। कर्ण ने कहा कि अब मैं मां को भी देखना नहीं चाहता, क्यों? ये कैसी मां है, पूरी जिंदगी मैं तड़पता रहा अपनी मां के लिए, कौन मेरी मां कौन, ये देखती रही कभी बोली नहीं कि तू मेरा बेटा, अब जी कर क्या करेंगे। वो दुर्योधन गलत है, ठीक है दुर्योधन के साथ रहने दो, अब नर्क जाऊंगा और क्या होगा, जाने दो, पर मैं अपने मित्र का, जिस मित्र ने मुझे, मेरी मां ने तो नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, पर दुर्योधन ने कहा था कि ये मेरा मित्र है, इसलिए जिसने मुझे विपत्ति के समय में मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अब उसकी विपत्ति के समय में उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। इस समय इनका यही धर्म था। मित्र का धर्म होता है जो ना मित्र दुख हो या दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। ये रामचरितमानस में लिखा है कि अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है। तो दुर्योधन कर्ण ने सहयोग इसलिए किया क्योंकि वो मित्रता के बंधन से बंधे थे, एक प्रतिज्ञा के बंधन से बंधे थे, एक नमक के बंधन से बंधे थे, और ये तीसरा बेचारे ये मित्रता के बंधन से बंधे थे, और तीनों मर गए पर तीनों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये महाभारत की कथा है, ये महाभारत, मर गए धर्म नहीं छोड़ा।